नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये आपकी चल रही कक्षा 6 की मैथ की क्लास, क्लास 6 का। हमने अभी तक का अभ्यास 13 सी देख चुके हैं, आज हम देखेंगे 13 डी देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज में हम पढ़ रहे हैं सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता में हमने आगे देख लिया। और अभी हम क्या देखने वाले हैं आज हम देखेंगे ASA, कोण भुजा कोण। मतलब ऐसा क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज रहे, इसका सीधा सा मतलब जानिए, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड और ए फॉर फिर एंगल, एंगल साइड एंगल। मतलब अगर ये हो गया कि अगर किसी भी त्रिभुज में, किसी दो त्रिभुज में, देखिए सर्वांग समता हमेशा दो से लिया जाएगा, एक त्रिभुज कभी किसी के सर्वांग सम नहीं होता, कंपेयर किया जाता ना, तुलना की जाती है। तो जब तुलना की जाएगी तो उसमें दो त्रिभुज होना चाहिए। जैसे दो त्रिभुज देखो, इसमें कहेंगे क्या हम लोग कि अगर हमारा कितना है, एंगल साइड एंगल है, ठीक ना। एंगल मतलब क्या होता है, कोण, साइड मतलब भुजा, फिर एंगल मतलब क्या, कोण। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किन्हीं दो त्रिभुज में, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में उनके दो कोण और एक भुजा बराबर हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण संगत कोण होते हैं ना, दो संगत कोण और एक संगत भुजा बराबर हो तो क्या होंगे, वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद आपका शुरू करेंगे आपका अभ्यास 13D। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई इस तरीके का एक त्रिभुज है, ये देखिए यहाँ एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ बना लेते हैं। अच्छा ध्यान क्या देना हमको, हमको कितने दो कोण चाहिए, एक कोण ये देखिए लिखेंगे ASA से हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर एक कोण ये ले लेते हैं, ये कोण, और इसका मान लीजिए ये कोण, ठीक है, और एक यहाँ एक कोण ये हमको दो कोण पता रहे, और ये क्या कर दें, इसको मान लीजिए कर दें 8 सेंटीमीटर, और ये भी क्या रहे 8 सेंटीमीटर। इसका नाम लिखिए यहाँ ABC, तो लिखिए P और ये वाला हो गया Q और ये हो गया R। देखिए अब कह क्या रहा है, ASA से कोण भुजा कोण, मतलब कोण होने चाहिए, भुजा होनी चाहिए, फिर कोण, ये क्या होने चाहिए, संगत होने चाहिए। जब संगत रहेंगी तो क्या होंगी, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या रहेंगे, सर्वांग सम रहेंगे। सर्वांग सम मतलब इनके सभी अंग समान रहेंगे। अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वापस जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए और वहां से पीछे का वीडियो देख के आइए, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं क्या है इसमें, हमको यहां दिया गया है एंगल साइड और एंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको कर दें कि हमारा कितने डिग्री का है, इसको मान लेते हैं हमारा 70 डिग्री का है, और इसमें भी क्या करते हैं, ये वाला कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। अच्छा वो 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, तो अगर इसको हम 30 लिख दें, 30 डिग्री लिख दें, इसको भी क्या लिख दें, 30 डिग्री। अब हमको एक बात बताइए, हमको देखना है एंगल साइड एंगल, तो सबसे पहले देखेंगे एंगल बी जो है, एंगल मतलब कोण बी बराबर किसके, कोण क्यू के, कोण क्यू के। अच्छा ये किसके बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, सर्वांग सम मतलब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरीके से क्या करे, ढक ले। ढक ले मतलब क्या करे, पीछे वीडियो में बताए हम, ढक ले मतलब इस तरीके से रहे, इस पे आके ढक ले और संगत होना चाहिए। तो ये वाला जब उठा के हम यहाँ लेके आएंगे तो देखिए बी कोण क्यू कोण ये दोनों संगत होंगे ना, देखिए बी और क्यू 70 डिग्री का 70 डिग्री संगत होगा, होगा ना। अब देखिए क्या करते हैं, बी कोण पता लग गया, अब देखिए क्या है, भुजा साइड, साइड है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब साइड जब आ रहा है, इसमें देखिए साइड बी और सी बराबर कितना हमारा 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे बीसी बराबर, सॉरी 8 सेंटीमीटर बाद में लिखते हैं, बीसी के बराबर कौन सा है, क्यू आर है कि नहीं है, तो लिखेंगे क्यू आर, और इसका नाप कितना है 8 सेंटीमीटर, लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। ये समझ में आया, आएगा कैसे नहीं आएगा। देखिए कोण बी बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि संगत कोण है, बी और क्यू संगत है, फिर भुजा बीसी बराबर क्यू आर के, क्योंकि भुजा बीसी संगत है भुजा क्यू आर के। अब देखिए अभी हमको क्या चाहिए, एक एंगल और चाहिए, और ये एंगल हमारा कौन सा है 30 डिग्री सी, और कौन सा आर 30 डिग्री, तो अब क्या लिखेंगे, एंगल सी बराबर एंगल आर, और ये कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, अर्थात
अर्थात मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, सर्वांग सम है। और इसको लिखेंगे कैसे, चलिए लिख के भी बताते हैं। मतलब इसको आप लिख देंगे, इतना स्टेटमेंट पता होने के बाद अब हम कह सकते हैं ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। अच्छा जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है तो इसको लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम। सर्वांग सम का निशान भूलिएगा मत, सर्वांग सम का निशान यही है कि सभी अंग क्या है, समान है। तो ए बी सी हुआ, यहाँ से शुरू किए ए बी सी आए, तो यहाँ से शुरू करेंगे पी क्यू आर आएंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्या है, ये है सर्वांग सम, कंसेंस है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया और नहीं भी आया ठीक है तो एक बार दोबारा देखिए, नहीं आया तो दोबारा देखिए, समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़िए हमारे साथ, ठीक है। नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए, सब समझ में आ जाएगा। हाँ अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए, आप लाइक करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं कि और मेहनत से बनाए और अच्छे से कंटेंट दें और बढ़िया समझाएं। आई थिंक ये तो बढ़िया समझा गया, समझ में आ गया होगा। बी का संगत कोण क्यू है, सी का संगत कोण आर है, देखिए, और बी सी का संगत भुजा क्या है, क्यू आर है, इसीलिए क्या कह सकते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, परस्पर सर्वांग सम है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आपका अभ्यास 13D। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं अभ्यास 13D शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, मतलब अगर कोई दो त्रिभुज हो उसमें दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सर्वांग सम होते हैं। अच्छा हम लोग सर्वांग समता पढ़ रहे हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन वहां साइड में आपको दिख रहा होगा, कह रहा निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है, कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहां शुरू करते हैं, ये वाला त्रिभुज देखिए और ये वाला त्रिभुज देखिए, दो कोण मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना, देखिए सॉरी इसका नाप जो है, नाप नहीं लिखे हम, 3.5 सेंटीमीटर होता है, लिखा है 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका तो इम्पोर्टेंट ना, यही तो जरूरी है तब ना बताएंगे कि क्या है सर्वांग सम है, ठीक है ना। चलिए अब हमको एक बात बताइए, हमको देखना है ये कोण भुजा कोण, ठीक है, एंगल साइड एंगल। तो ये देखिए 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का यहाँ पे है कि नहीं है, ये फिर देखिए भुजा देखिए 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर के यहाँ पे है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री, मतलब दो कोण मिल रहे हैं, दो भुजा मिले, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम होगा कि नहीं, कैसे होगा इसको देखिए, देखिए यहां पे लिखते हैं, यहीं पे लिखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ए कोण ए, कोण ए बराबर, कोण ए के बराबर कौन सा होगा सर्वांग सम, कोण ए के बराबर कोण एफ होगा, कोण एफ जो कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है कि नहीं है। अब देखिए ए बी, ए बी भुजा है ना, ए बी बराबर, अच्छा यहां लिख सकते हैं संगत कोण, संगत कोण, ठीक है ना, संगत कोण, संगत भुजा, देखिए ए बी, ए मतलब 40 पे बी 60 पे, ए बी बराबर क्या होगा, एच एफ और ई, क्या होगा एफ और ई, अच्छा एफ ई क्यों लिखे, क्योंकि ए पे 40 डिग्री का बन रहा है, बी पे 60 डिग्री का, क्या 40 डिग्री पे एफ पे बन रहा है और ई पे 60 डिग्री का, इसलिए एफ और ई लिखे। अच्छा ये कितने डिग्री, ये कितने सेंटीमीटर का है, 3.5 सेंटीमीटर, हाँ ये क्या होगा, संगत भुजा हो गया, संगत भुजा, समझ में आ रहा ना, बराबर समझ में आना चाहिए, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए ए और एफ, ए एफ हो गया, भुजा हो गया हमारा, ठीक है। अब एक कोण और देखना है, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल हो गया, साइड हो गया, अब एक एंगल और, देखिए हमने 40 अंश वाला लिख दिया, अब 60 डिग्री का लिखेंगे, मतलब कोण बी बराबर, कोण बी के बराबर कौन सा होगा, देखिए कोण बी 60 का है तो कोण ई भी क्या है, 60 का है, अच्छा ये कितने का है, 60 डिग्री का है, और क्या संगत है, संगत कोण, संगत कोण, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अच्छा जब इतना समझ में आ गया तो आसानी से क्या, अगर इसको उठा के यहां पे रखेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा कि नहीं, देखिए 40 वाला किस पे चला जाएगा, 40 वाला एफ पे, मतलब ए एफ पे चला जाएगा, बी किस पे चला जाएगा, ई पे चला जाएगा, सी किस पे जाएगा, डी पे चला जाएगा, और ये एक दूसरे क्या करेंगे, ढक लेंगे। जब ढक लेंगे तो अब देखिए इसको जब लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम होगा, ए से शुरू करें 40 डिग्री से, तो एफ ई
डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ ई डी, त्रिभुज एफ ई और डी, ये वाला हो गया सर्वांग सम। ध्यान दीजिए ये डी लिखा है डी, ठीक है, इसके सर्वांग सम जो, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इन सब में कुछ नहीं करना, देखिए एकदम आसान है। देखिए अगर इसको हम डिवाइड कर दें, देखिए इसमें दो त्रिभुज हमको मिलेगा, मिलेगा ना, चलिए देखते हैं क्या, ए और बी तो हमेशा समान रहेगा, त्रिभुज निकालते हैं बाहर, देखिए इसमें से ध्यान से समझिएगा, ये समझ में आ जाएगा पूरा, एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरीके का त्रिभुज निकल रहा है कि नहीं, एक ये वाला, अच्छा इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, डी ए बी, ये निकला ना, और ये क्या निकला, सी ए बी निकला, ये 25 का, ध्यान दीजिएगा ये वाला टोटल कितने का हो जाएगा, 30 और 25 हो जाएगा, अगर इसको नहीं देखना चलिए छोड़िए, इसमें आ जाइए, ये कितने का हो गया, ये हो गया 30 डिग्री का, हुआ कि नहीं, ये वाला यहां पे जाके मिला तो ये 30 डिग्री का हो गया, और इसमें ये वाला कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाली भुजा जब यहां पे आएंगे तो ये वाला कितने का होगा, 30 और 25 जोड़ेंगे, 3 दो 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा ना, ये 55 का हो जाएगा, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 55 डिग्री का हो गया। अब हमको एक बात बताइए, दो कोण मिल गया और ये भुजा, देखिए ए बी तो बराबर है ना, है कि नहीं बराबर, बस ध्यान क्या देना, ये एक इधर से, एक इस साइड से, इस एक इस साइड से, हाँ तो इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ए ए ठीक है, ए यहाँ हो गया, बी यहाँ, हाँ एक चीज गड़बड़ हो रहा है, ये जो ए डी है यहाँ पे बी नहीं, ठीक है सही, एकदम सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, सारी भुजा का नाम वही होगा, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ऐसे ही रहेगा। देखिए अब इसमें क्या कह सकते हैं, दो कोण मिल गया, 55 का ये, 55 का ये, 30 का ये, 30 का ये, मतलब ए बी क्या है कि नहीं है, ए बी क्या संगत है, ए और बी यहाँ भी संगत है, देखिए डी और सी क्या है, संगत है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए, पहले ए बी सी, अच्छा ए बी सी का ये वाला है, ठीक है हम ए बी डी से शुरू करते हैं, ए बी डी, ए बी डी सर्वांग सम, देखिए ए बी डी सर्वांग सम किसके, ए से चले हैं तो ये किससे चलेंगे, बी से चलेंगे, बी ए सी, क्या लिखेंगे, बी ए सी, इसके क्या है ये सर्वांग सम है कि नहीं है, समझ में आया, समझ में आ गया होगा, ये वाला समझाया ना, इसको लिखा भी जा सकता है, देखिए ए का संगत कोण बी है, बी का संगत कोण ए है, तथा क्या है ए बी भुजा किसके है, बी ए भुजा के बराबर है, ए बी भुजा जो है वो बी ए के बराबर, ऐसे लिखेंगे ना, ए बी बराबर, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, अच्छे से समझ जाइए ताकि आप लोग, कोण संगत लिख दे रहे हैं, दोनों संगत कोण लिख दे रहे हैं और एक भुजा लिख दे रहे हैं, यहां तक दिख रहा है, यहां लिख दे साइड में, चलिए यहां लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इधर जगह लेंगे, थोड़ा सा बस इसी में लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, कोण ए, कोण ए के बराबर कौन सा है, कोण कोण बी है, और फिर देखिए भुजा क्या होगी, ए बी बराबर, ये ए बी जो है ये बी ए के बराबर की नहीं, ए बी बी ए के बराबर है, बी ए के बराबर, दोनों भुजा बराबर, और कौन सा कोण बच रहा है, ए वाला हो गया, आप देखिए बी वाला, देखिए कोण बी बराबर किसके है, कोण ए के, कोण ए के बराबर है, तो मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कि ये एक दूसरे के संगत है, इसमें दो त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज को हमने तोड़ के बाहर निकाल दिया ताकि आपको समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, अब इससे आप लोग खूब अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा वाला जो इसी में दिया गया है, इसको मिटा देते हैं यहां से। चलिए इसको मिटा दिए, ये वाला भी हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं, बस ध्यान दीजिएगा जो समझाए हैं, बाकी ये सब चैप्टर बहुत आसान होता है, लोग मतलब समझ नहीं पाते, पता नहीं क्यों क्या कहते हैं कि ये सब समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे नहीं समझ में आता। देखिए अब ये वाला हमको दिया गया, इसमें हमको क्या देखना है, हमको दो कोण चाहिए, दो कोण इसी तरीके से दिया गया है, दो कोण चाहिए और दो एक भुजा चाहिए, अब हमको ध्यान देना है ये चीज, देखिए यहाँ 100 डिग्री का है, यहाँ भी 100 डिग्री का है ना, तब इसमें हमको देखना है कि पहले कोण लीजिए, कोण कौन सा लेंगे, इसमें त्रिभुज कौन सा बनेगा, इसको बाहर निकाल दें, चलिए इसको बाहर निकाल दे रहे, समझाने के लिए निकाल रहे हैं, बस ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया, इसका नाम हो जाएगा डी, इसका नाम ओ हो जाएगा, इसका नाम ए हो जाएगा, होगा ना, अभी ये भी समझाते कैसे होगा, ये देखिए ये हो गया, और दूसरा जो निकालेंगे वो यही तो निकलेगा, यही तो निकलेगा, ठीक है, इसका नाम क्या सी है, सॉरी ये सी है, और ये कितना है, ये आपका है ओ, और ये आपका कितना है बी है, अब ध्यान क्या देना हमको, ये हमारा कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है,
और ये भी हमारा कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का, ये दिया गया हमको। अच्छा देखिए, हमको एक बात बताइए, अगर ये 100 का है, ये भी 100 का है, ये वाला देखिए, ये दोनों, ये और ये क्या है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख है, तो ओ वाला इसका और ओ वाला इसका दोनों क्या है, बराबर है, मतलब दो कोण इधर बराबर मिल गए कि नहीं। अब दो कोण बराबर मिल जाएंगे, दो भुजा बराबर मिल जाएगी। इसकी भुजा देखिए ये कितनी की होगी, 2 सेंटीमीटर, ये कितने का होगा, 2 सेंटीमीटर, लिख लीजिए, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ये भी हो गया। चलिए ये 2 लिखा है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर वो, 2 सेंटीमीटर ये। अब हमको बताइए ये वाली भुजा जो होगी, यहां पे देखिए ये वाला जो कोण होगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं बताइए, क्योंकि शीर्षाभिमुख है ना, तो हम लिखेंगे क्या, कोण का नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कोण, ध्यान दीजिए इसको तीन उसमें लिख रहे, 3 अक्षरों में, ADO बराबर, कोण ADO बराबर, देखिए ADO बराबर, मतलब ADO बराबर क्या होगा, ADO कर रहे हैं तो क्या कहें, CBO लिखेंगे, क्या, कोण CBO, ये समझ में आया। अब देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे भुजा लिखेंगे ना, ये क्या हो गया, कोण हो गया। अब इधर भुजा लिखेंगे DO बराबर, डी ओ है ना, DO कहाँ पे, यहाँ पे DO बराबर क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा, क्या होगा, BO हो जाएगा, ये समझ में आया। अब क्या लिखते हैं, अब हमको ये वाला कोण दिखाना, ये वाला मतलब कौन सा, ये वाला कोण, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कोण AOD बराबर है कोण AOD, मतलब AOD कोण बराबर, A से आए यहाँ पे, O पे फिर D पे आए, तो क्या करेंगे, C से कहेंगे COB, कोण COB, समझ में आ गया ना, एकदम अच्छे समझिए। देखिए इतना हो गया, हमको क्या मिल गया, कोण मिल गया, भुजा मिल गया और कोण मिल गया, कितना मिल गया। अब चलिए सीधा सीधा लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADO सर्वांगसम है, ADO सर्वांगसम है, देखिए ADO समझ में आ रहा है, ये वाला त्रिभुज किसके समान, सुनो, ए के बाद डी पे आ रहा है, तो CBO के, किसके, त्रिभुज CBO, ये क्या है, दोनों सर्वांगसम है, ठीक है, यहां तक है, ऐसे किया जाता है, कोई भी टफ नहीं, इसको तोड़ के हटा दिए तो अब आप आसानी समझिए कैसे कैसे हो रहा, दो त्रिभुज मिल रहा, दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम का निशान मत भूलिएगा, ऐसे लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल सा है, कुछ भी ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, एकदम आगे हमने आपको सब बता दिया, इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, AD जो है कोण A का अर्धक है, मतलब ये AD जो है ये कोण A का क्या है, अर्धक है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, अर्धक कहने से ये पता लग गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, ठीक है, अर्धक है मतलब बराबर है। देखिए AD लंब है किस पे, BC पर, ये जो AD है ये वाली रेखा आई है वो BC पर लंब है, BC पर लंब है तो ये 90 अंश का, तो ये भी कितने का, 90 अंश का, मतलब एक कोण ये मिल गया, एक कोण ये मिल गया, ये दोनों बराबर मिल गए ना। और देखिए क्या कह रहा है, पूछ रहा है ADB सर्वांगसम है ADC के, त्रिभुज ADB सर्वांगसम ADC, ADB सर्वांगसम ADC है कि नहीं है। चलिए एकदम सिंपल सा देखिए, ऐसे ही तुरंत बताते हैं। देखिए सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ADB, हम अभी क्या पढ़े, कोण साइड कोण, मतलब कोण क्या होना चाहिए, देखिए एंगल साइड एंगल, इसी से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, एंगल, अच्छा एंगल कौन सा बराबर, कोण A बराबर ना, तो इसको लिखेंगे कैसे, कोण BAD बराबर, BAD बराबर किसके होगा, बराबर मतलब संगत, BAD किसके संगत है, BAD लिखे क्या लिखेंगे, CAD के, कोण CAD के क्या है, संगत है, संगत कोण, ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आया संगत कोण है। और देखिए यहां ब्रैकेट में लिखते हैं इसको ताकि समझ में आए, देखिए एंगल हो गया साइड, देखते हैं साइड, अच्छा साइड कौन सी बराबर लेंगे, साइड एकदम सिंपल सा बराबर लेने के लिए ए और डी, AD दोनों में है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, तो लिखेंगे AD बराबर AD, AD सर्वांगसम है किसके, AD के, ये लिख देंगे संगत भुजा, संगत भुजा, ये समझ में आया। और क्या करना है, अभी एक कोण और लेना, साइड हो गया, अब एक कोण और लेना, अब एक कोण ये देखिए, ये जब लंब पड़ रहा है तो ये 90 का, तो ये भी कितने का आएगा,
90 का आएगा तो क्या लिखेंगे, कोण ए डी बी बराबर, ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बी बराबर हो जाएगा ए डी सी हो जाएगा कि नहीं, ए डी सी हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, संगत कोण, संगत कोण। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, संगत कोण हो गया, इसलिए ये भी बराबर। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि ए डी बी, ए डी बी तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है, देखिए ए डी बी सर्वांगसम ए डी सी हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी के क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम का निशान लगा है, देखिए तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, सर्वांगसम हो जाएगा, हो गया ना। तो ये पहला वाला हम बता दी। अच्छा दूसरा वाला इसी में देख लीजिए, दूसरा वाला क्या यह कहना सही है कि बी डी बराबर डी सी है। अच्छा क्या बी डी बराबर डी सी है, अब हमको एक बात बताइए, बी डी बराबर डी सी कह नहीं होगा, जब कह रहा है लंब है, लंब है सीधे आ रहा है, ये कोण भी बराबर, ये कोण भी बराबर है, तो जब ये कोण बराबर हो गया तो मतलब ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी, ये भुजा तो बराबर है, अब ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज में नीचे बनने वाला कोण भी क्या होगा बराबर, मतलब अगर ये जो कोण देखिए कितना कितना बराबर हो सकता है, मतलब ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये वाला कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा, जब ये कोण का इस कोण के बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या कह सकते हैं हम लोग, बी डी बराबर डी सी आराम से हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा, क्या लिख देंगे, बी डी बराबर डी सी है, बी डी इधर से देखेंगे डी सी इधर से देखेंगे, क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हाँ जी है, कहना गलत नहीं है, क्या है हाँ बराबर है, लिखेंगे हाँ बी डी बराबर डी सी है, गलत उलत नहीं है, कहना वो एकदम सही है, एकदम सही कह रहे हो, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया, समझ में आया आपको दूसरा, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है चित्र में रेखा ए एक्स, ए एक्स यही रेखा है, ठीक है ना, रेखा ए एक्स क्या कर रही है, कोण सी ए बी, सी ए बी और बी डी सी, बी डी सी को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, तुरंत देख लीजिए अगर समद्विभाजित करती है क्या हो जाएगा, मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, उन तीन तत्वों को बताइए जो ये सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तीन तत्वों को बताना है बस और कुछ नहीं करना। तो चलिए तीनों तत्व यही देख लीजिए तुरंत कैसे होगा, एकदम हम लोगों ने क्या पढ़ा, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, पहले एंगल देखना है, साइड देखना है, फिर एंगल देखना है। ध्यान दीजिए किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, दो त्रिभुज में, एक में नहीं, किसी दो त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर हो तो वो त्रिभुज एक दूसरे क्या होगी, सर्वांगसम होगी, सर्वांगसम मतलब एक दूसरे क्या करेगी, ढक लेगी, पूर्णतः ढक लेगी, छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा, पूरा बराबर का। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें क्या वही तीनों तरीके लिखने हैं, पहले लिखना एंगल। अब एक बात बताइए, जब सी ए बी, सी ए बी को ए और एक्स जो रेखा जा रही है वो बराबर भागों में बांट रही है, अगर हम इसको तोड़ के बाहर कर दें, देखिए ए बी डी वाला, ए बी डी इसको तोड़ के बाहर, एकदम ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को अगर बाहर एक टुकड़ा कर दें, बाहर मतलब यहां से इसे तोड़ दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे, तो चलिए क्या करते हैं, एक नीचे यहां बना देते हैं आराम से, बस समझने के लिए बना रहे हैं दोस्तों, बस देखिएगा इसका नाम क्या लिख देते हैं, बी, ये ए है और ये कितना है आपका डी है, एक ये हो गया, अब एक इधर भी बना देते हैं, ठीक है, हो गया कि नहीं, जब तोड़ेंगे तो ऐसे निकलेगा सी ए और डी, ये समझ में आया। अब एक बात बताइए, ये कोण और ये कोण को क्या कर रहा है, बराबर बांट रहा है, ये कोण और ये कोण को क्या कर रहा है, बराबर बांट रहा है, ये आपके क्वेश्चन में ही कहा है, कह रहा है कि ए एक्स जो रेखा है वो कोण सी ए बी और कोण सी डी बी को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, तो जब दो बराबर भागों में बांटती है, एक भाग इसके पास, एक भाग इसके पास, और दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं है, है ना। और इधर देखिए डी इसके पास और डी इसके पास, ये भी दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं है ना। और एक बात बताइए, ये जो बीच की रेखा है इनकी ए से लेके डी तक की, ये दोनों त्रिभुज में बराबर है, बराबर है। तो चलिए आइए लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल क्या लिखेंगे, सी ए डी ऐसे लिखिए, या तो एंगल ए लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ए लिखेंगे तो ए पूरा आ जाएगा ना, इसीलिए सी ए डी लिखते हैं, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना, लिखेंगे एंगल सी ए डी बराबर, बराबर मतलब वही संगत,
सॉरी दोस्तों, सी ए डी, सी ए डी इस वाले त्रिभुज में हुआ, इसमें हुआ, ये देखिए ये वाला। अब इसमें क्या होगा, यही जब सी ए डी लिखने, यहां लिखेंगे बी ए डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे एंगल बी ए डी लिखेंगे। अच्छा लिख सकते हैं संगत है, यही लिख दीजिएगा संगत कोण, संगत कोण, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ये एंगल हो गया, साइड देखते हैं, साइड के लिए क्या ए डी बराबर ए डी है ही, क्या लिखेंगे ए डी बराबर ए डी, क्योंकि उतना नाप का यहां से यहां तक का उतना है, यहां भी उतना है और यहां भी उतना है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों बराबर होगा ना। अच्छा और होगा कि उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, दोनों में कॉमन है, अंग्रेजी में बोले तो कॉमन है, तो जब ये कॉमन रहेगा उसमें भी, इसमें भी कॉमन रहेगा, तो ये दोनों बराबर है ना होगा, तो जब बराबर होगा तो एडी बराबर एडी, और यही क्या लिख देंगे संगत भुजा, संगत भुजा, दो गो हो गया। अब तीसरा क्या करना है, एक एंगल और लेके आना है, एंगल अभी हमने आपको बताया एंगल डी और एंगल डी, देखिए ध्यान दीजिए जब बराबर बांट रहा है इसको ए डी बी को, तो ये भी तो बराबर है ना बटेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कोण सी डी ए बराबर सी डी ए, मतलब ये वाला ध्यान दीजिएगा, केवल डी मत लिख दीजिएगा नहीं तो डी में ही पूरा आ जाएगा, तो लिखेंगे सी डी ए बराबर किसके होगा, सी डी ए बराबर क्या होगा बी डी ए के, किसके कोण बी डी ए के, और ब्रैकेट में लिख देंगे संगत भुज, संगत कोण, सॉरी संगत कोण, ठीक है ना, ये हो गया संगत कोण। जब इतना हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, अब सीधा सीधा लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था कि आप बताइए, कह रहा था तीनों क्या लिखिए, देख कह रहा था उन तीन तथ्यों को बताइए जो ये सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम ए सी डी के, तो देखिए ए बी डी सर्वांगसम है ए सी डी के, और वो तीनों तथ्य क्या हो गए, ये संगत कोण हो गया, ये संगत भुजा हो गया, और ये वाला भी संगत कोण हो गया, यही था आपका ये वाला क्वेश्चन। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आपका लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास का। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए, क्या करना है त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है, ठीक है ना, ए बी सी की क्या करनी है रचना करनी है, और उसका कुछ माप दिया गया है, दिया गया देखिए रचना कीजिए, जबकि एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर है, और कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण ए बराबर कितना 60 डिग्री का दिया गया है, और कोण सी बराबर कितना 45 डिग्री का दिया गया, इतना दिया गया। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप भुजा देख रहे हैं, भुजा कितना दिया एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है एक रेखा खींचना इधर, इसका नाम लिखना ए और इसका नाम लिखना सी, इतना समझ में आया, हाँ चलिए समझ में आ गया, तो एसी बराबर कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों 6 सेंटीमीटर लिखे, ध्यान से देखिएगा। अभी क्या करना, ए पे 60 डिग्री का कोण बनाना, ए पे हमको 60 डिग्री का कोण बनाना दिया गया है, हाँ ए पे 60 डिग्री का तथा सी पर 45 डिग्री का, देखिए अब ए पर क्या करेंगे पटरी प्रकार की सहायता 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ जो पटरी प्रकार की साथ है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, ऐसे पटरी प्रकार या तो चांदा भी ले सकते हैं, प्रकार से बनाएंगे तब भी चांदे से बनाएंगे तब भी कोण बता चुके हैं कैसे बनता है, 60 डिग्री के इस तरीके से लेके जाएंगे ए और यहाँ क्या लिख देंगे यक्स, मान लेंगे कितना गया यक्स गया, ठीक है ये कितने डिग्री का हो गया आपका, ये हो गया आपका सॉरी इसको 60 डिग्री का बनाना है, तो ए बराबर कितना गया 60 डिग्री का हो गया ये। अब एक बात बताइए जब ये 60 डिग्री का हो गया, कोण ए बराबर कितने का 60 डिग्री का हो गया, अभी कोण सी बनाना है, कोण सी कितने का बनाना है 45 डिग्री का बनाना है, कोण सी 45 का मतलब 90 का आधा, जब 45 का बनाएंगे कोण सी ऐसे लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 45 का, यहाँ लिखेंगे ये 45 डिग्री, और ये देखिए ये आपका एक्स लिखे तो इसको क्या लिख देंगे वाई लिख देंगे। अच्छा ये जहां पे ये मिला, जहां पे ये क्या किया प्रच्छेद किया एक दूसरे को, ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया ए के बाद बी हो गया, तो इसको लिखेंगे बी ए बी सी, हमारा एक त्रिभुज क्या हो गया बन गया, समझ में आया त्रिभुज बन गया, कुछ नहीं करना है। अब रचना करने के लिए क्या, सर्वप्रथम देखिए आपको रचना जो इधर डिजिटल तरीके से हम आपको दिखा दे रहे हैं टाइपिंग थ्रू, देखिए क्या हो जाएगा हम लिखेंगे सर्वप्रथम एसी एक 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, जब एसी 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा फिर हमने क्या किया तत्पश्चात हमने क्या किया बिंदु ए पर से 60 डिग्री का कोण बनाया एक्स, क्या किया एक रेखा खींच दिया, और फिर सी पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए पटरी प्रकार की सहायता से
45 डिग्री का कोण बनाते हुए सी वाई ये क्या किया, रेखा खींच दिया। और ये दोनों रेखा जहाँ पे मिलती है वो हमारा बिंदु क्या हो गया, बी हो गया। अर्थात हमारा त्रिभुज एबीसी क्या हो गया, बन गया। अर्थात एबीसी हमारा क्या है, अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये साइड में आपको रचना दिख रहा है, आप इस रचना से ऐसे लिखिए स्टेप टू स्टेप। हमने बताया है जितना चीज दिया गया यहाँ लिखिए दिया है, ठीक, बनाना है या रचना करनी है, फिर चरण वाइज यहाँ लिखिएगा दिया है, देखिए यहाँ दिया गया है दिया है, रचना करनी है, रचना के चरण पूरा ऐसे एक एक स्टेप से लिखना है और लास्ट में लिखना हमारा अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हाँ, अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।